सो है गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो गाइज, आज हम करने जा रहे हैं VGMI का जो न्यू अचीवमेंट आया ना, उसी को आज कंप्लीट करने जा रहे हैं कि कैसे ये पांचों की पांच स्टाफ आप आराम से कर सकते हो, भी एक इमेज में। तो चलो आप फटाक से करते हैं बिना किसी देरी की। तो गाइज, सबसे पहला वाला हमारा आता है लैंड ऑफ द ओशन प्लेस, मतलब हमें ये जो नया इवेंट आया है इसके अंदर जो हॉट ड्रॉप है वहाँ पे हमें एक बार उतरना है। बस जैसे हम उतरेंगे हमारा ये वाला अचीवमेंट कंप्लीट हो जाएगा, वो भी इजी से। हमें बस जमीन पे पांव रखना है, जैसे आप पांव रखोगे आपका मिशन कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा पहला वाला कंप्लीट हो गया है। अब सेकंड वाले में क्या करना है, एक और नई जगह, ये छोटा सा घर दिखेगा आपको, मैप खोलोगे तो वहाँ पे आके आपको सबसे पहले तो इस कॉलम पे आना है। इस कॉलम पे आते ही से आपको इसको एक्टिवेट करना है। आप एक्टिवेट जैसे ही करोगे, सामने की साइड जो आपको घर दिख रहा है ना, इसका जो पानी है वो गायब हो जाएगा और इसके अंदर हमें एक गुफा मिलेगी, उसके अंदर हमें जाना है। तो ये जब तक टाइम ले रहा है, मैं फटाक से लूट वगैरह कर लेता हूँ, जैसे ही खुलेगा अपन चलते हैं अंदर की साइड। तो यहाँ पे ये खुल गया। अब आपको क्या करना है, इस पानी के अंदर आना है और यहाँ पे जो गुफा है ना, इस गुफा के अंदर अंदर जाना है आप लोगों को। अंदर अंदर जैसे ही जाओगे ना भाई, आप अंदर उस साइड निकल जाओगे, मतलब इस साइड से उस साइड निकल जाओगे और यहाँ पे आपको लूट भी बहुत अच्छी मिल जाएगी। अब यहाँ पे आने के बाद आप लोगों को क्या करना है, ये जो कालम है ना, इनकी लाइटें जलानी है। तो फटाक से इनकी लाइटें जला लेते हैं, उनके पास जाके अपन इनकी लाइटें ऑन कर देते हैं। ऐसे तीन कालम है, तीनों की लाइटें आपको ऑन करनी है, तब जाके ये जो सामने की साइड जो गेट है ना, ये खुलेगा और इसके अंदर बहुत सारी लूट मिलेगी। तो यहाँ पे आपका ये वाला मिशन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने तीनों की लाइट ऑन कर दी और कुछ ही सेकंड में मेरा ये वाला वो खुल जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ आराम से लूट लेता हूँ और सामने की साइड रास्ता भी था तो मैं यहाँ से निकल भी जाता हूँ। तो गाइस, यार हमारा तीसरा वाला है ना, एक बंदूक आई है नई, जो अपने पिछले मैप में थी ना मैग्नेट वाली, सेम वैसी ही है ये भी है। इसमें क्या, हमें आसमान में उड़ना रहता, तो इसमें को यूज़ कैसे करना, आपको आसमान में इसका फायर लेना है और फायर पर जैसे क्लिक करोगे तो आपका ये जो है ना, ये चालू हो जाएगी, मतलब यूज़ कर सकते हो इसको। तो बस इसको एक आधी बार यूज़ करना है तो आपका ये तीसरा वाला मिशन भी कंप्लीट हो जाएगा। अब जो भाई हमारा चौथा वाला मिशन है ना, इसको करने के लिए आपको इरेंगल ही खेलना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इरेंगल लगा लीजिएगा और उसमें आपको कम से कम 30 कॉइन होना चाहिए और यहाँ पे आपको वेल करके एक मिलेगा, उसको आपको शॉप पे से परचेस कर लेना है। अब अगर जो भी मिशन आए हैं VGMI के अंदर, वो सारे ऐसे तो शॉप पे मिल जाएंगे इरेंगल के, लेकिन यहाँ पे वेल इकोप करके प्रोवाइड है, इसको आपको यहाँ पे करना है और इसको यहाँ समन करना है। 4 सेकंड का समय लेगा, जैसे ही 4 सेकंड कंप्लीट हो जाएंगे ये समन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये गोला बन गया है, आपको क्या करना है, आप सीधे बीच में जाना है और यहाँ पे थोड़ा बीच में आना है और यहाँ पे सेट जो रूटेन है ना, सेट रूटेन पे क्लिक करना है और आपको किस साइड जाना है जोन के, उस साइड आपको मार्क कर देना है, मतलब वहीं से, और सेट रूटेन पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे भाई, यहाँ पे आपके सामने एक वेल निकल के आ जाएगी और ये वाली वेल सीधे आपको ले जाएगी जोन के अंदर। तो यहाँ पे हमारा भाई चौथा वाला मिशन भी कंप्लीट हो जाता है। भाई देखने में क्या ही सुंदर दिख रहा है, मतलब देख सकते हो, मज़ा ही आया है, बढ़िया है इस बार का इवेंट, कुछ भी बोलो। देखो सामने की साइड भी किसी ने 2 समन किए। अब लास्ट वाले में हमारा जो बचता है ना भाई, उसमें हमें एक मछली की सवारी करनी है, जो कि भाई एक नहीं हुआ आई है। तो देखो, जैसे ही आप अपने ग्रेनेड वाले सेक्शन में देखोगे ना, तो यहाँ पे आपको एक ब्लू कलर की बॉल मिलेगी, जो कि भाई एक मछली है। और इसको मछली को जैसे ही वो करोगे ना, इस पर आप ड्राइव भी कर सकते हो, तो इस पर बैठ के आप आराम से कहीं भी घूमो फिरो, कोई झंझट नहीं है, आराम से। ये फायर वगैरह भी करती है लेकिन इसका डैमेज बहुत कम है, तो बंदों के सामने बिल्कुल भी मत लेके जाना क्योंकि इसकी स्पीड भी कम है। तो भाई यहाँ पे हमारे पांचों के पांचों मिशन कंप्लीट हो चुके हैं। तो चला फटाक से चलते हैं अपन लॉबी में और हमारा अचीवमेंट जो है वो कलेक्ट कर लेते हैं। तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हो, हमारा जो अचीवमेंट है वो कंप्लीट हो गया है। आप चाहो तो इसको भाई सोलो में कर सकते हो, डुओ में कर सकते हो और स्क्वाड में भी कर सकते हो, और हाँ अनरैंक में भी कर सकते हो, आपका अचीवमेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो अपने दिमाग से वो हटा देना कि भाई अचीवमेंट के चक्कर में मेरी रैंक माइनस होगी, तो भाई आप अनरैंक में भी कर सकते हो वाला अचीवमेंट। तो बस यार आज के लिए इतना ही था। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो भाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, वीडियो काफ़ी लेट आई है उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। अब से मैं कोशिश करूँगा रेगुलर क्या हफ्ते में 2-1 वीडियो डालने की, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।